समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, या कहिए इंडिया का सबसे बड़ा केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो पहले हम इसको कुछ पॉइंट्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहला है 1967 का गोलकनाथ केस। इस केस में जजमेंट ली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्टेट है, स्टेट का यहाँ मतलब वो गवर्नमेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आया 24th अमेंडमेंट, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार ने ये अमेंडमेंट किया कि जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है। फिर आया 25th अमेंडमेंट, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार ने ये अमेंड किया कि किसी भी इंडियन सिटीजन का सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है उसको अक्वायर कर सकती है और जो प्राइस होगा वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो क्या अमेंडमेंट थे? पहला था कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है, और जो 25th अमेंडमेंट था वो था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है और जो रेट फिक्स होगा वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। अब इस पूरे सिनेरियो में आते हैं स्वामी एच एच श्री केशवानंदा भारती, जो कि एडनीर मठ जो कि केरला में सिचुएटेड है वहाँ के सीनियर है। तो जो केरला की गवर्नमेंट होती है, जो केरला स्टेट होता है, वो क्या ट्राई करता है कि जितने भी रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर लेते हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर लेते हैं। किसने सोचा? केरला गवर्नमेंट ने। और उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ये करना भी चाहा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के हीरो नाना भाई पालकी बाग। उन्होंने केशवानंदा भारती को इंसिस्ट किया, उन्हें समझाया कि आपका आर्टिकल 26 वॉयलेट करना चाह रहा है केरला गवर्नमेंट। तो इसीलिए उन्होंने उनको इंसिस्ट किया कि आपको कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए कि आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है। और इस पूरे सिनेरियो में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और जो जुडिशरी थी, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खिटपिट चल रही थी। अब हम समझते हैं आर्टिकल 26 क्या है। आर्टिकल 26 है कि हर एक आदमी को आजादी है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज या मेंटेन करे। अब जो केस होता है, जो कि केशवानंदा भारती ने फाइल किया होता है, वो पहले जाता है केरला हाईकोर्ट और उसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट। जो इंडिया में जितनी भी हियरिंग हुई है अब तक, उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट हियरिंग केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की है, जो है 68 डेज। और इसमें लॉन्गेस्ट जो बेंच होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। और जो जजमेंट आता है, जो जजमेंट आता है वो आता है 7:6, यानी जो 7 जजेस होते हैं वो फेवर में होते हैं और जो 6 जजेस होते हैं वो अगेंस्ट में होते हैं। कौन अगेंस्ट में होता है, किस चीज के फेवर में ये लोग होते हैं और किस चीज के अगेंस्ट में ये लोग होते हैं, ये हम आगे समझेंगे। मेजॉरिटी से ये जजमेंट आता है कि जो स्टेट है और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकती। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस में ये कहा था कि सुप्रीम जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, ना वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। पर इस केस के जजमेंट में ये निकल कर आया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट दी गवर्नमेंट और दी स्टेट कैन नॉट ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या 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 चीजें आई? बेसिक स्ट्रक्चर में आया पार्लियामेंट्री फॉर्म, इंडिपेंडेंस जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड सो ऑन। और नेक्स्ट है प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट। इस जजमेंट में ये बताया गया जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है और इसे भी अमेंड किया जा सकता है पर बिना इसके बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ऑल्टर किए। नेक्स्ट, लेकिन उसके बाद भी जो इंदिरा गांधी होती है वो नहीं रुकती, फिर वो दो अमेंडमेंट लेके आती है 39 और 41st।
कहानी। इसमें क्या होता है कि अमेंडमेंट में वो कहती हैं कि अगर कोई भी पर्सन, अगर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है या वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। और सेकंड होता है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसकी अपॉइंटमेंट 6 से 1 साल के लिए होगी, 6 महीनों से सिर्फ 1 साल के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो सारी पावर अपने हाथों में चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं पावर जाए, इसीलिए ये 2 अमेंडमेंट आए। उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने रुकी और उन्होंने 1975 में जो 13 जजेस की बेंच थी उनमें से एक जज थे जस्टिस हबीब, सारे सीनियर जजेस को इग्नोर करते हुए उन्होंने जस्टिस रे को CJI बना दिया। और जैसे ही जस्टिस रे CJI बने, जो कि इनमें थे 7:6 में, ये 6 में थे उनमें से एक जस्टिस रे, उनको जैसे ही CJI बना दिया गया, उन्होंने कहा कि केशवानंदा भारती को रीओपन किया जाए, लेकिन नाना भाई पालकीवाला की कृपा से वो केस रीओपन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिव्यू पिटीशन नहीं आया है, इसलिए केस रीओपन नहीं हो सकता। तो ये था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट समझनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।